Hello everyone, I'm Dr. Deepthi Shukla, I'm a dermatologist and trichologist and आज हम एक अपने यंग पेशेंट से बात करेंगे जिनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन हमने 2 जून को किया था. हेलो सर, कैसे हैं आप? वेरी फाइन. सो आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन हमने 2 जून को किया था. यस. कितने ग्राफ्ट हमने इम्प्लांट किए? 2800. और हमने किस मेथड से आपका किया? डी एच आर. सो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सर का ट्रांसप्लांटेशन हमने जून में जब किया था डी एच आर मेथड से किया था. DHR is direct hair implantation method, जिसमें हमने उनका DHR से 2800 grafts implant किए थे. जब वे हमारे पास आए थे तब इनको approximately grade 3 vortex baldness थी androgenetic alopecia की. सो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा recede हो गई थी frontal hairline और temporal hairline. तो हमने mainly 2800 grafts से front area पूरा उनका cover किया है और पूरा एंटायर मेथड हमने DHI से किया था. तो मेरे व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहूँगी कि DHI डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन मेथड में बेसिकली हम एक जॉय इम्प्लांटर पेन यूज़ करते हैं, जिसी में हम ग्राफ्ट लोड करते हैं और उसी से स्लिट क्रिएट करके ग्राफ्ट को पुश करते हैं. सो DHI मेथड का एडवांटेज रहता है कि उसमें जो सर को भी मिला है DHI का एडवांटेज कि उसमें शेडिंग फेज जो रहता है, जैसा कि सब जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद फर्स्ट 3 मंथ्स शेडिंग होती है क्योंकि हेयर शाफ्ट फॉल करते हैं और जो भी शॉक लॉस होता है उसकी वजह से हेयर फॉल होता है फर्स्ट 3 मंथ्स में. तो ट्रांसप्लांट के बाद आपको फर्स्ट 3 मंथ्स में इतने अच्छे रिजल्ट्स लाइक हेयर ग्रोथ दिखाई नहीं देती है, बट DHI मेथड का ये बहुत अच्छा एडवांटेज है क्योंकि इसके DHI के पेन की टिप ऐसी होती है कि इससे सराउंडिंग टिश्यू को ट्रॉमा मिनिमल होता है, जिसकी वजह से शॉक लॉस बहुत कम होता है, इसलिए शेडिंग फेज नहीं होती है. और दूसरा रीज़न एक और, जैसे कि सब जानते हैं कि जो ग्राफ्ट्स कुछ देर के लिए बॉडी से बाहर रहते हैं, जो फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन है ई मेथड में यूजली 3 to 4 hours के लिए बाहर रहते हैं, DHI में 20-30 minutes के लिए ही ग्राफ्ट बाहर रहते हैं और सोल्यूशन में रहते हैं, फिर बॉडी से बाहर रहते हैं. तो वो ड्यूरेशन शॉर्टर होने की वजह से भी ग्राफ्ट की जो वायबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, इसलिए आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं DHI से. तो अब आइए हम सर से ही जानते हैं कि उनका DHI का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उन्हें शेडिंग हुई कि नहीं हुई, कितनी शेडिंग हुई, एंड नाउ हाउ हैप्पी ही इज विथ हिज रिजल्ट्स. सो आप ही बताइए अपने वर्ड्स में कि आपने DHI, जब मैंने आपको जब कंसल्ट किया होगा तो मैंने आपको सारे ऑप्शन बताए थे, फिर आपने DHI डिसाइड किया, तो अब आपको लगता है कि इट वाज वर्थ इट करना? रियली वर्थ इट. आपको शेडिंग कितना हुआ, कुछ बाल वगैरह? वो बहुत कम हुआ मुझे, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ. नहीं हुआ? और अभी मैंने जब मैं यूजली कंसल्ट करती हूँ तो मैं बताती हूँ कि 6 मंथ या 5th मंथ के पहले कुछ ग्रोथ एक्सपेक्ट ज्यादा मत करिए, पर आपके 3 मंथ्स में काफी अच्छी ग्रोथ है. आपको पर्सनली खुद कैसा लग रहा है ग्रोथ देख? ग्रोथ तो बहुत हो गई अभी. आर यू हैप्पी विद द रिजल्ट्स? चलो गुड. सो यही मैं एक्चुअली आप लोगों को पॉइंट दिखाना चाहती थी कि DHI से शेडिंग फेज कैसे कम हो जाता है, ड्यूरेशन भी एंड अमाउंट भी. शेडिंग बहुत कम होती है तो आप देख सकते हैं ये सर के 3 मंथ्स के रिजल्ट हैं. जून में हमने ट्रांसप्लांट किया था, सितंबर में 3 मंथ्स में इनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ गए हैं एंड नाउ इनका PRP ट्रीटमेंट शुरू करने वाले हैं. तो आई थिंक बाय एंड ऑफ 4 मंथ एंड ऑन 5th मंथ ही गेट वेरी वेरी गुड रिजल्ट. सो वो पेशेंट्स जिनको कोई फंक्शन अटेंड करने या शॉर्ट ड्यूरेशन में जिनको ग्रोथ चाहिए जल्दी, जिनको शेडिंग फेज रिड्यूस करना है, दे कैन गो फॉर DHI एंड इट गिव्स यू वंडरफुल रिजल्ट. सो थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस एंड आई होप यू गेट द बेस्ट रिजल्ट. या थैंक यू. थैंक यू.